सब्सक्राइब कीजिए टेक ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शाहज़ेब अशरफ और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी सी ड्राइव को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका साइज़ आप एक्सटेंड कर सकते हैं। कभी कभार हम सी ड्राइव को ज़्यादातर कम ही रखते हैं, उसका जो स्टोरेज होती है वो कम पड़ जाती है। जब भी हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो एक हमारा साइज़ होता है उसको हम बहुत ही कम रख के चलते हैं, अपनी और ड्राइव में ज़्यादा स्टोरेज हम लेके चलते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार सी ड्राइव में हमारा जो स्टोरेज है वो कम पड़ जाती है, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल होते हैं तो फिर हमें दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कैसे आप अपनी सी ड्राइव को स्टोरेज को इनक्रीज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी हार्ड ड्राइव की और स्टोरेज को जो बाकी ड्राइव्स में पड़ा हुआ है। हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछा था कि कैसे आप सी ड्राइव को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके स्टोरेज को कैसे इंक्रीज़ किया जाए या उसको किस ड्राइव के साथ मर्ज कैसे किया जा सकता है। तो हमने सोचा कि उस पर भी वीडियो लानी चाहिए, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम सिस्टम पे आ चुके हैं अपने और अभी हम आपको बताते हैं कैसे आपको ड्राइव को एक्सटेंड करना है। एक बार आप दिस पीसी में आ जाइए और यहाँ पे आपको मैं ड्राइव दिखा देता हूँ, उसको बड़ा कर लेते हैं। और ड्राइव यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लोकल डिस्क सी ड्राइव है, 146 GB की है, डी ड्राइव है और ई ड्राइव है। तो यहाँ पे दो ड्राइव हमारी और हैं, अभी हमें सी को एक्सटेंड करना है। इसको हम 200 GB के अराउंड बना लेंगे, 50 GB अभी हम इसमें और ले लेंगे एक्सटेंड करके, या फिर हम पूरी डी ड्राइव को ही यहाँ पे सी ड्राइव के साथ मर्ज कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ई ड्राइव है उसमें काफ़ी स्पेस है। तो चलिए अभी डिस्क मैनेजमेंट आपको हम खोल लेते हैं। डिस्क मैनेजमेंट लिख लीजिए और डायरेक्ट ओपन हो जाएगा डिस्क मैनेजमेंट। इसको भी फुल साइज़ कर लेते हैं, एक मिनट थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो डिस्क मैनेजमेंट में आपको सी ड्राइव नज़र आएगी 146 GB की, और एक लोकल डिस्क डी ड्राइव है और एक ई ड्राइव है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हम डी ड्राइव को मर्ज करेंगे सी ड्राइव के साथ, इसलिए अगर आपकी डी ड्राइव में कोई आपका डेटा है इम्पॉर्टेंट तो आप उसको कहीं और कॉपी करके अपनी ई ड्राइव में डाल दीजिए, या सी में ही आप नया फोल्डर डाल करके वहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि डी ड्राइव को हम फॉर्मेट करेंगे, डिलीट करेंगे, इसलिए आपका डेटा कुछ हो तो आप उसे कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दो ड्राइव हमारी बनी हुई हैं। सिंपली आपको क्या करना है, डी ड्राइव जो आपकी होगी, क्योंकि सी के एडजेसेंट जो भी ड्राइव होगी वही मर्ज होगी सी के साथ, ठीक है। तो हमें डी ड्राइव पर राइट क्लिक करना है और इस पर सिंपली आपको डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक कर देना है और येस कर देंगे आप, ठीक है। तब आपके सामने ये अन एलोकेटेड स्पेस हो जाएगा जो सी ड्राइव के एकदम आगे होगा, ठीक है। तब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको सी ड्राइव में जाना है, राइट क्लिक पे अब आपको एक्सटेंड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे सिंपली, और जो सी ड्राइव के आगे हमने अनएलोकेटेड स्पेस बना लिया है वो पूरा यहाँ पे हम मर्ज कर देंगे, जिसके आगे दिखा रहा है आपको, ये हमारा अनएलोकेटेड स्पेस है, इसमें आपको नेक्स्ट कर देना है, सिंपली फिनिश कर देना है। और एक सिंपल तरीके से जो सी ड्राइव थी आपकी वो एक्सटेंड हो चुकी है, डी ड्राइव के साथ मर्ज हो चुकी है। बेसिक सा तरीका है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको करना नहीं है। तो दोस्तों, सी ड्राइव यहाँ पे बहुत ही इजी मेथड से आपकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, स्टोरेज आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी दूसरी ड्राइव को यूज़ करके, जो आपका स्पेस होता है वो यूटिलाइज आप कर सकते हैं सी ड्राइव के साथ। तो अभी आपको हम दिस पीसी में दिखाते हैं कितना स्पेस हो गया है मर्ज करने के बाद। तो दिस पीसी में आप आइए और देखिए कि सी ड्राइव अब यहाँ पर हमारी 342 GB की हो चुकी है, जो 148 की थी उसको हमने डी ड्राइव के साथ मर्ज कर दिया है, इसलिए यहाँ पे कोई डी ड्राइव नज़र नहीं आ रही है। और आपके कुछ सवालात हों इस टॉपिक से लेके तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई और कैसा लगा ये वीडियो और सजेशन। कुछ हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि आप ये करके दिखाइए कि सी ड्राइव को कैसे एक्सटेंड करें या मर्ज करें अपनी ड्राइव के साथ, तो हमने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना लेते हैं। तो आप भी अपने सवाल और कुछ सुझाव अपने कमेंट सेक्शन में नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे शेयर कर सकते हैं कि किस पर आप वीडियो चाहते हैं आने वाले वक्त में इस चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर टेक ट्यूबर्स, जिसका नाम है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आने वाले वक्त में भी लाएंगे आपके लिए। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि सी ड्राइव को एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं, जो बहुत ही आसानी तरीके से हो जाती है यहाँ पे अनएलोकेटेड स्पेस को यूज़ करके। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हैव अ नाइस डे।